ओके तो आज है हम अपनी नानी के घर पे और आज यहाँ पे बन रहा है देसी घी में स्पेशल चिकन टिक्का और चिकन टिक्का बना रहे हैं हमारी भाभी जी। मैरिनेशन देखिए आप कितने थिक है, गांव वाले आगे ठीक बन रहा है। कुछ लोग यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग टॉर्च पकड़ के खड़े हैं और कुछ लोग बनाने पे लगे हुए हैं। जो बना रहे हैं मेकर्स से पूछते हैं आप क्या क्या मैरिनेशन यूज करी है, क्या क्या मैरिनेशन यूज करी है आपने और कैसे बनाया है, खाली बताना आपने। ओके तो इसमें मैदा भी नहीं यूज किया है, देखो बहुत बहुत ज्यादा हेल्दी है, एक तो चिकन और ऊपर से आटा। और बाकी मसाले क्या क्या यूज करे हुए हैं आपने? नॉर्मल घर के। ओके नॉर्मल घर के हल्दी, मायनीज का चलो नेक्स्ट टाइम हम शॉर्ट आउट करेंगे, फिर फिलहाल हम मसालों पे फोकस करेंगे। मसाले प्योर घर के हैं, बिल्कुल नमक स्वाद अनुसार है, बाकी घर का धनिया पाउडर है। ओह हो, तो ये आप एक नेगेटिव पॉइंट में काउंट करते हैं या फिर अच्छा देना चाहिए? ठीक है आप बना रहे हो, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। ओके हरी चटनी तो नहीं दे? मेयोनीज और हरी चटनी नहीं है, आपके कहने का मतलब ये है। अब बताते ना तुम लेके आते हो। दूर दराज के क्षेत्र है, एक्चुअली दूर दराज के क्षेत्र है तो नहीं हो पाता है। ओहो हो, अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी फैसिलिटीज नहीं है पर फिर भी आप इतने रिमोट एरिया में आए हैं, आपको मतलब आप जो टेस्ट है ना चिकन टिक्का का, इतनी जो मुश्किलों के बाद बनाया गया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा लग रहा है, टेस्ट कैसा है? इधर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। ओके तो मेयोनीज होनी चाहिए भैया। है आपके कहने का मतलब था कि जहाँ से भी आओ मेयोनीज लेके आओ आप, हमें नहीं पता कितना चिकन कस्टमर खुद लेके आए। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपको ओनली चिकन मिलेगा। तो इस जॉइंट की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आपको सिर्फ चिकन टिक्का मिलेगा, बाकी मेयोनीज और जो चटनी है ना, अभी दो तीन महीने तक अब मिलता नहीं है। अब यहाँ पे बर्फ गिरेगी, विंटर्स होंगे बहुत तगड़े वाले ना, तो डेट्स नहीं मिलती। ओके ओके ओके, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा फेमस है, इतना फेमस है कि यहाँ पे स्लॉट्स बुक करने होते हैं अपने चिकन टिक्का के लिए। ओ माय गॉड, यहाँ वेटिंग एक वेटिंग ये है, दो तीन वेटिंग यहाँ पे हमारे और भी हैं, देखो कस्टमर ही कस्टमर है यहाँ पे इतने सारे। और रात के बज चुके हैं 9। अब ये एक अच्छी बात क्या है, ये डिस्पोजल नहीं यूज करते। अच्छा अच्छा ओके, घर के बर्तन अपने, तो ये एक बैच रेडी हो गया, आप ये वो उधर ही रखें शायद से, थोड़ा सा हाइजीन कम है तो ये आप इग्नोर करना। बाकी आप पीसेस देखिए, एकदम परफेक्ट शेप में कटे हुए पीसेस, पहले चिकन है फिर अनियन है उसके बाद शिमला मिर्च है, और ये देखो देसी घी वो ऐसे ही मिलता है। चलो द बेस्ट थिंग कि टिक्का बहुत जबरदस्त है देखने में और टेस्ट में भी, हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, तो ये जो लास्ट पीस है इसको हम टेस्ट करेंगे। ओह माय गॉड, सीरियसली बहुत अच्छा हो रहा है। हैं ये वाला सही है? बहुत बढ़िया, सही में प्रॉपर पका हुआ एकदम, नो वर्ड्स नो वर्ड्स। ओके एंड द लास्ट बैच भूल गए, देखो बट आप इसको रॉ खा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत अमेजिंग है। आप ये पीस देखिए कितना जूसी है, वेल कुक्ड है, 20-25 मिनट बनेगा और उसके बाद मटेरियल खत्म और ये चूल्हा एकदम क्लोज हो जाएगा। क्लोज करने की जरूरत नहीं होगी, इतना ज्यादा पाला पड़ रहा है। पहाड़ी चाय ले सकते हैं, हाँ साथ में पहाड़ी चाय हो सकती है और इसके साथ रोटी हो सकती है, बिल्कुल पतली रुमाली रोटी जो होती रोटी है ना, पहाड़ी रोटी मिलती है ना। अच्छा रोटी अंदर वाले डिपार्टमेंट में बन रही है, किचन सकते हैं, उसका कूपन लिया। अच्छा उसका भी कूपन लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अलग होता है जैसे लोग पूछते हैं कि किसका आपको मिक्स ग्रेन चाहिए, मिक्स ग्रेन चाहिए या अलग का, पहाड़ी रोटी बनती है वो चूल्हे पे बनती है। ओके यहाँ पे तंदूर सिस्टम नहीं है, तंदूर सिस्टम नहीं है यहाँ पे, चूल्हा वो लेडी ने बस एक पीस लिया था। ओ माय गॉड, वो खुशी से नाच रही हैं, वो देखो उनको इतना अच्छा लगा कि वो खुशी से नाच रही हैं। अब ज्यादा मत नाचो, रात हो रही है। ये हो गई भुर्जी, अब ये इसका लास्ट भुर्जी हम बना चुके हैं। इसके चिकन के कोई भी पीस नहीं, ये पूरे इंडिया में नहीं मिलते। ओके ये सिर्फ आपको यहीं मिलेगा, क्या बात कर रहे हो, यूनिक मतलब ये सेल्फ इन्वेंटेड डिश है।
सेल्फ इन्वेंटेड, क्या बात। और इसमें तवा रोज ऐसे ही जलता है, आज जलाया खाली मिल भी जाए। अच्छा, इसकी जगह इंडिया में कहीं कोई ऐसा होता ना, मिल भी जाए ऐसा, ये टेस्ट नहीं, ये टेस्ट नहीं मिलेगा डेफिनेट। तो ये रहा लास्ट बैच, एंड करते हैं। है नहीं ना?